पिछले मॉड्यूल में हमने ये डिस्कस किया था कि के हवाले से कौन से चैलेंज हैं कि जो नॉलेज मैनेजमेंट के रास्ते में रुकावट बनते हैं तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ चैलेंज होते हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं कि जो नॉलेज मैनेजमेंट के काम को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल हो सकती हैं तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस डेमोस्ट्रेट ग्रेट नीड फॉर इम्प्रूवड नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स एक बहुत बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही है दीज आर देर आर मैनी फॉर्मल एंड इनफार्मल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इंफॉर्मेशन शेयरिंग पैटर्नस वर्क इंसेंटिवस इंफॉर्मेशन साइलोज एंड अदर वर्क प्रैक्टिस दैट हैव फ्लारिश ओवर टाइम के कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन के सिस्टम्स पहले से मौजूद हैं कि जो वक्त के साथ साथ तलीमी इदारों के अंदर अपना काम कर रहे हैं के एम स्ट्रेटीज़ एंड प्रैक्टिस कैन बिगिन टू इंटीग्रेट दीज डिसंट सिस्टम्स कि जो सिस्टम्स जहाँ जहाँ जिस हालत में भी मौजूद हैं नॉलेज मैनेजमेंट का काम यह है कि उनको आपस में इंटीग्रेट करना शुरू करे अब एक और अपॉर्चुनिटी दिक्लिकल क्वालिटी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट एनकरजिस ऑर्गेनाइजेशन ऑनेस्ट एंड रिफ्लैक्सिव स्टांस ऑन वट इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन इन देर ऑर्गनाइजेशन ये नॉलेज मैनेजमेंट का काम एक मुसलसल होने वाला काम है इसका जो शुरू का स्टेप है जब आखिर पे जाता है तो आखिर के बाद फिर पहला स्टेप आता है ये एक साइकिल की सूरत में ये काम होता है नॉलेज मैनेजमेंट का और ये तकाजा करता है और ये फ़ायदा पहुँचाता है कि किस तरह से इदारे चल रहे हैं उसको बैठ के उस पर एक नज़र दौड़ाई जाए उस पर एक रिफ्लैक्शन दी जाए दिस प्रोसेस ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी फॉर दीज इंस्टिट्यूशन टू इंटीग्रेट के एम टू प्रमोट सस्टेनेबल लर्निंग विद इन देर ऑर्गनाइजेश इन ऑर्डर टू मीट द एक्सटर्नल डिमांड्स एज वेल एज इम्प्रूव ऑर्गनाइजेशन वाइड इफेक्टिवनेस के अदारे जो हैं ख़ास तौर पर तालीमी इदारे वो इस नॉलेज मैनेजमेंट का फ़ायदा उठाएँ और इस रिफ्लेक्शन के नतीजे में अपने काम को अपने फंक्शंस को इम्प्रूव करें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैन आइडेंटिफाई ग्रुप्स ऑफ पीपल हु ऑलरेडी मेनटेन सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप्स ऑफ कलेब्रेशन विद इन द इंस्टीट्यूशन कि लोग आपस में मिल के काम कर रहे हैं उनकी उनकी सिनर्जी डेवलप हुई हुई है उनको आइडेंटिफाई करे एजुकेशनल सेटिंग्स ऑलरेडी डेमोस्ट्रेट मैनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्टिविटीज़ इन इफेक्ट सच एज एग्जिटिंग फार्मल एंड इनफार्मल कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस ये फार्मल हो या इनफार्मल हो कम्यूनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस ऑलरेडी मौजूद हैं हाउ एवर टू सस्टेन ऑन गोइंग इंक्वायरी एंड कंटिन्यूस लर्निंग दे नीड टू स्ट्रेटाइज एज टू हाउ दे विल सिस्टेमेटिकली एम बेड दिस एक्टिविटीज़ विद इन द फेब्रिक ऑफ द ऑर्गनाइजेशन कि ये जो कम्यूनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस अपना काम कर रही हैं फार्मल या इनफार्मल वेज में इस बात की ज़रूरत है कि उनको इदारे का हिस्सा बनाया जाए और उनके दरम्यान जो डिस्कशंस होती हैं जो नॉलेज शेयरिंग होती है उसको ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूमेंट के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए और ये काम नॉलेज मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सकती है एक और अपॉर्चुनिटी कि टेकन इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्टिविटीज़ कैन बी यूज़ टूवर्ड इनक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट जो इंडिविजुअल अपना काम कर रहे हैं उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता जो इम्प्रूवमेंट है वो आती है हाउ एवर वेन के एम इज़ एडॉप्टड एंड एग्जीक्यूट एज एन ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्ट्रैटजी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में के एम को लाया जाएगा एक स्ट्रैटी के तहत इम्प्रूवड मैथड्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैन बी यूज टू कंटिनली प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ के एम बेस्ड प्रैक्टिस इसका नतीजा क्या होगा कि जो इंडिविजुअली काम हो रहा है उसको आप एक चैनल में ले आएंगे ऑर्गेनाइजेशन वाइड उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो उन इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट का फायदा आखिरकार ऑर्गेनाइजेशन को होगा केम बेस्ड प्रैक्टिसेस कैन हेल्प एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिकम मोर इनफॉर्म इन द डिसीजन मेकिंग एज अ होल कि जो उनके यहाँ डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है एज अ होल उसको फ़ायदा होगा अगर वो केम को इम्प्लीमेंट करेंगे ऑल ऑफ दिस हेल्प टू ले द फाउंडेशन फॉर आ रोबस्ट कल्चर ऑफ इंक्वायरी एंड रिफ्लैक्टिविटी एक मजबूत किस्म का कल्चर बन जाएगा कि लोग क्वेश्चन रेज करेंगे उस पर बैठ के सोच विचार करेंगे और उसके नतीजे में इंप्रूवमेंट लेके आएंगे दस एस्टेब्लिशिंग द मेकनिज़म्स फॉर सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग कि ऑर्गेनाइजेशन की जो लर्निंग है वो सस्टेनेबल भी होगी और वह लॉन्ग टर्म भी होगी लेकिन इसके लिए लाजिम है कि नॉलेज मैनेजमेंट के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाए एक और अपॉर्चुनिटी कि स्टूडेंट्स एक्सेस एंड सक्सेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइकली बेनिफिक्टर्स ऑफ द के एम प्रैक्टिस अब इसका जो असर है वो स्टूडेंट्स के ऊपर कैसे होगा कि के एम प्रैक्टिस कैन प्रमोट ऑर्गेनाइजेशनल रिफ्लेक्सिविटी इन सच अ वे दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेटर अंडरस्टैंड देयर ओन वीकनेसिस एंड स्ट्रेंथ्स एंड कैन देन एलोकेट दे रिसोर्स टू वेयर दे आर मोस्ट नीडेड वो अपने रिसोर्स को जब वो रिफ्लेक्शन का एक प्रोसेस करेंगे तो अपने रिसोर्स को अच्छी जगह पर इस्तेमाल करेंगे अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ्स का इल्म हासिल करने के बाद वो अपनी प्लानिंग को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और इसका नतीजा क्या होगा कि स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी इसमें आखिरी जो पॉइंट है वह है के एम प्रैक्टिस अलाइन इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्स टू बेटर एड्रेस स्टूडेंट्स नीड्स एंड दस स्टूडेंट्स सक्सेस के स्टूडेंट्स की नीड को अच्छे तरीके से आप कैप्चर करें उसके ऊपर वर्किंग करें और उसका फायदा क्या होगा कि स्टूडेंट्स की जो सक्सेस रेट है वह बढ़ेगा सब्सिक्वेंटली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेट एंगेज इन गेम प्रैक्टिस फॉर कंटिन्यूस लर्निंग एट दर्गनाइजेशनल लेवल ऑल्सो एंगेज इन प्रमोटिंग कंटिन्यूस लर्निंग फॉर देर स्टूडेंट्स कि जो अपने अपने स्टाफ की अपने टीचर्स की कंटिन्यूस लर्निंग का काम करेगा इदारा वो आखिरकार अपने स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा